लैंडमार्क और आइकॉनिक जजमेंट पास किया है जो जेंडर बेस्ड राय वेमेन इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखता है आइए देखते हैं ये क्या है वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर ये सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट है सन टिल ही मैरिड क्या स्टेटमेंट दिया है अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट सपोर्टिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट तो ये क्या है ये स्टेटमेंट क्यों दिया आज हम देखने वाले हैं कि ये क्यों किस चीज में किस केस के लिए आया गया सी आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट इसी एक्ट को अमेंड किया गया 2005 में उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश वर्सेस फूलवती 2015 का एक केस धनम्मा वर्सेस अमर 2018 का केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा जो अभी आपका लेटेस्ट जजमेंट है इन सब एक्ट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे तभी हमें क्लैरिटी से समझ आएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट बोला है किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है और क्यों बोला है और इसके क्या इम्प्लीकेशन है आइए देखते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट टू ये जो एक्ट है सबसे पहले देखेंगे किस किस को लागू होता है बुद्धिस्ट सिख जैन और हिंदू चार इनको ये एक्ट लागू होता है पारसीज जूस क्रिश्चियस के लिए है इंडियन सक्सेशन एक्ट अब आप पूछ रहे होंगे ये अलग अलग क्यों है देखिए नाम से देखिए हिंदू के लिए सक्सेशन एक्ट है मतलब हिंदू की प्रॉपर्टी सक्सेशन मतलब आपकी प्रॉपर्टी कौन अगला लेगा वो हिंदूज की किस तरह गाइड करी जाएंगी वो इस एक्ट से गाइड होंगी हिंदूज में कौन आ रहे हैं बुद्धिस्ट सिख जैन और हिंदू पारसीज जूस और क्रिश्चियन के लिए एक अलग एक्ट है इंडियन सक्सेशन एक्ट आज हम इन दोनों की बात नहीं करने वाले है, हमारा मुद्दा यहां पे अड़ता है कि ये क्या है और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला लेट्स पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ जिससे आपको इस एक्ट को समझने में आसानी होगी कुछ बेसिक टर्म्स कुछ बेसिक डेफिनेशन प्रॉपर्टी so, हमारी कंट्री में कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की लेट्स एनसेस्ट्रक्वायर्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब है जो पीढ़ियों से चली आ रही है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड जो आपको अपने बाप दादाओं से मिलती आ रही है टू फोर जनरेशन मतलब जो आपको मिलती आ रही है प्रॉपर्टी वो आगे की चार जनरेशन में पटती है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट और जो चार जनरेशन है वो सिर्फ मेल्स होनी चाहिए औरतें नहीं मेल लीनियज मतलब जो चार जनरेशन में जितने सन आ रहे हैं ग्रैंड सन आ रहे हैं ग्रैंड सन आ रहे हैं उनके लिए है और ये होते हैं बाय एक्ट इसका क्या मतलब है जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है मतलब जो आपको बाप दादाओं से मिलती है आप इनहेरिट करते हैं वो कैसे बटेगी चार पीढ़ियों में बाय एक्ट एक्ट मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट डिसाइड करेगा कि उसका क्या होगा ठीक है इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगी दूसरी है सेल्फ अक्वायर्ड सेल्फ अक्वायर्ड मतलब आपने अपने जीते जी कोई प्रॉपर्टी खरीदी वो आपने सेल्फ अक्वायर करी है वो आपको अपने बाप दादाओं से नहीं मिली है आपने खुद खरीदी है अपनी क्षमता से तो उसको हम बोलेंगे परचेस फ्रॉम ओन रिसोर्सेस उसको आप कैसे बांटते हैं अपनी विल से जब आप विल लिखते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता हूं बेटे को बेटी को उसके लिए कोई कोई एक्ट नहीं करता इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं बनाया गया है कि यह प्रॉपर्टी आप किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते हैं और इसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि भाई मेरी प्रॉपर्टी है मेरी विल है विल में मैं अपनी बेटी को दूं बेटे को दूं बेटी को नहीं दूं बेटे को नहीं दूं इसमें मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है लेकिन सारा मुद्दा आता है

ये टर्म इस एक्ट में यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी यूज किया है तो देखते हैं इसका क्या मतलब है वन हु शेयर इक्वली विथ अदर्स इन इनहेरिटेंस ऑफ एन अनिवाइडेडी मतलब हम एनसेस्ट्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं को पार्सनर का मतलब जिन जिनमें पटवारा होगा उस प्रॉपर्टी का इक्वली मतलब अगर दो बेटे हैं दो में डिवाइड हो रहा है तो दोनों को पार्सनर हो गए दोनों को शेयर मिल रहा है उस प्रॉपर्टी का यह लीगल टर्म है जिसको हम बोल रहे हैं को पार्सनर और अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली हमारी हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली मानी जाती है उसके मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं मतलब आपकी वाइफ होंगी बेटे होंगे डॉटर्स होंगी सब मेंबर है लेकिन को पार्टनर का मतलब है जिसको प्रॉपर्टी बटेगी ओके नेक्स्ट इंटरस्टेट इंटरस्टेट का क्या मतलब है वेयर देयर इज नो विल अब ये टर्म याद कर लीजिए ये आगे एक्ट में जरूर आने वाला है जहां पे कोई विल नहीं है अब अगर विल होती है किसी प्रॉपर्टी की तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है कोई इंटरफेरेंस नहीं है मेरी प्रॉपर्टी कैसे भी बांटू ठीक है लेकिन जब इंटरस्टेट हो जाता है मतलब विल नहीं होती तभी तो सारी टेंशन शुरू होती है नेक्स्ट मतलब तो विल येस, विल नो इंटरस्टेट दीज आर टर्म्स को पार्सनल इंटरस्टेट टेस्टमेंटरी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग एड्स के ऊपर आते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मतलब जो पहला एक्ट बनाया गया इसके पहले इंडिपेंडेंस से लेकर 1956 तक हमारे पास कोई एक्ट नहीं था इसकी जरूरत फील हुई इसलिए 1956 में एक एक्ट बनाया गया सरकार द्वारा ये एक्ट कहाँ से हमने लिया मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदी हिंदू लॉ यहाँ से हमने इस एक्ट के नींव उठाई मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदी लॉ ने हिंदू सक्सेशन एक्ट को कोडिफाई करा है। हमने सारा वहां से ड्रॉ करा है एक तरह से मिताक्षरा है क्या एक लीगल ट्रीटी है इनहेरिटेंस के ऊपर कब की बनी हुई है स्कॉलर एक वेस्टर्न चालुक्य कोर्ट ट्वेल्थ सेंचुरी का बना हुआ लॉ है हमने वहां से उसके बेसिक्स उठा के अपने हिंदू सक्सेशन एक्ट में डाल दिए ठीक है मिताक्षराय में लिखा हुआ था बहुत ही जेंडर बायस था पेट्रियार्कल इन नेचर था और वो सिर्फ मेल लिनिएज को मानता था इसीलिए हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी वही लिया गया लेट्स हैव अ लुक मिताक्षरा लॉ प्रोवाइड्स प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गाइज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी Held by the Hindu joint family. Only recognized male as legal heir. जो मैंने highlight करावा है very important. सिर्फ legal heir जो recognized हैं उन्हीं को मिलेगा four generations के लिए. Only recognized males as legal heirs four generations. मतलब इस Hindu Succession Act जो मिताक्षरा law पे based था treaty पे based था उसने सिर्फ बोला हम सिर्फ मेल्स को रिकॉगनाइज करेंगे और वो भी चार जनरेशन फोर क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर ऐसा मान लीजिए चार जनरेशन तक हम रेकग्नाइज कर रहे हैं मेल नेक्स्ट इट ओनली अप्लाइज टू इंटर स्टेट सक्सेशन हमने अभी पढ़ा था इंटरस्टेट सक्सेशन इसका मतलब कोई विल नहीं है देर इज नो विल ओके एंड To anyone who converts to Hinduism, मतलब Hindu Succession Act है जो चार मैंने आपको बताया वो और अगर कोई भी हिंदुजम में convert करता है तो उसको भी यही law follow करना पड़ेगा गई है property की तो ये act लागू नहीं होता है And ancestral property की बात करी जा रही है तो अब हाईलाइट देखते हैं Confusion आपको हो सकता है हो रहा हो बहुत सारा मैंने आपको डेटा दे दिया है 1956 जहां पे विल नहीं है, मतलब इंटरस्टेट है. तो क्या हो गई चार चार हाईलाइट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो सिर्फ ये चार पॉइंट लिखिए आपके रिविजन के लिए ओके ये सब आगे आपको डॉट्स ज्वाइन हो जाएंगे नेक्स्ट आप आप समझ ही रहे हैं ये कितना पैट्रियार्कल माइंडसेट है आज की सोसाइटी में तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि औरतों को उनका हक नहीं मिलेगा तो क्या आया 2005 अमेंडमेंट इसी एक्ट को अमेंड कर दिया गया अब वहां पे क्या करा विमेन को भी रिकॉग्नाइज कर दिया एज कोपार्टनर्स ये टर्म भी हमने किया था मतलब अभी तक क्या था सिर्फ मेल को मिल रहा था और विमेन क्या थी सिर्फ मेंबर हिंदू जॉइंट फैमिली की मेंबर थी वेमेन भी मेल भी लेकिन मेल को पार्टनर भी था सिर्फ मेंबर नहीं था और औरत सिर्फ मेंबर थी लेकिन अब डॉटर्स को भी एक्सेप्ट कर लिया गया okay. 6, जो उस हिंदू सक्सेशन एक्ट का था उसको अमेंड करा गया अमेंडमेंट के बाद बोला मेक अ डॉटर अ को पार्सनर ऑल्सो बाय बर्थ मतलब जब से वो जन्म हुई है तब से वो को-पार्टनर के राइट्स उसके पास है जैसे कि एक सन के होते हैं वैसे ही एक डॉटर को भी मिलने चाहिए ओके, लॉ अगेन मैंने फिर से करा हुआ है। लॉ अप्लाइज टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नॉट सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं एंड टू इंटरेस्टेट अगेन हम टेस्टमेंटरी की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे विल है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना फादर की मर्जी है मैं बेटे को दूं नहीं दूं बेटी को दूं नहीं दूं लेकिन जब विल नहीं होती है तभी ये सारी प्रॉब्लम आती है ओके okay, तो आप हो गया एंसेस्ट्रल इंटरस्टेट वेर सक्सेशन हैपेंस पर लॉ एंड नॉट थ्रू अ विल ठीक है अब ये अमेंडमेंट तो आ गया आप कहोगे तो बढ़िया अमेंडमेंट है क्या टेंशन है बहुत बढ़िया अमेंडमेंट है और कब से लागू हुआ 9th सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फाइव नाइन नाइन टू थाउजेंड एंड फाइव चलो बहुत बढ़िया बात है यार आप विमेन को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे उनको भी प्रॉपर्टी में हक मिल गया प्रॉब्लम क्या है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लेकिन इतनी आसानी से सब कुछ हो नहीं सकता है तो शुरू हुई एक कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन क्या हुई अब जब एक्ट इस डेट पे लागू हो रहा है तो क्या इस डेट पे फादर का जिंदा होना जरूरी है डॉटर का जिंदा होना जरूरी है मतलब अगर इस डेट के पहले फादर की डेथ हो गई ठीक है और वो प्रॉपर्टी तो के पास चली गई अब ये नया आ गया तो वो को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी समझे आप हुआ ना कंफ्यूजन इफ द फादर डाइज विदाउट लिविंग अ विल बिना विल लिखे चले गए ठीक है सबको लीगल राइट इक्वल मिलना चाहिए ठीक है जो पहला क्लास वन है जो मैंने आपको बताया था क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर उनका पहला राइट है और उसमें अपकोर्स विडो भी आएगी ठीक है डॉटर्स भी आएगी सन भी आएंगे जैसे आप डॉटर इंक्लूड हो गए विडो तो आएगी आएगी मतलब उसकी वाइफ एंड सन और आप डॉटर्स भी इंक्लूड हो गए हैं सबको एक एक पार्ट मिलेगा प्रॉपर्टी का मतलब अब आप आपको भी प्रॉपर राइट अपना मिलने लगेगा ये तो एक्ट ने बोल दिया अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकती हूं लेट्स के पास टेन थाउजेंड की प्रॉपर्टी थी दोनों तरफ लिख लेते हैं टेन थाउजेंड की प्रॉपर्टी थी अगर ये पहले का टाइम होता मतलब अमेंडमेंट नहीं होता तो ये बटता उसकी विडो में उसके सन में विदाउट विल की बात कर रहे हैं डॉटर को कुछ नहीं मिलता लेकिन अब जब अमेंडमेंट हो गया है तो किसको मिलेगा उसकी विडो को उसके सन को और उसकी डॉटर को भी मिलेगा क्लियर ये माइंड यू अगेन बार बार बोल रही हूं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विदाउट विल की बात हो रही है ठीक है अब जो मैंने आपको बताया बिफोर टू थाउजेंड फाइव हिंदू सक्सेशन एक्ट डॉटर्स को सिर्फ में और अब को पर्सनल मानने लग गया है डॉटर पहले क्या बोलते थे जब डॉटर डॉटर तभी तक है जब तक उसकी शादी नहीं होती है मतलब जैसी उसकी शादी होती है वो हिंदू फैमिली का मेंबर ही नहीं है वॉट अ डिस्क्रेसफुल स्टेटमेंट द अमेंडमेंट अब डॉटर को रिकॉग्नाइज किया गया है भी भी और भी और उसके marital status से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया है। है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया हो गई गई। अब अब ये तो तो की बात आ गई। तो अब करने कौन आएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट आया प्रकाश वर्सेस फूलवती 2015 के, के केस में जज बेंच इन्होंने क्या बोला ठीक hmm, है हम इंटरप्रेट करते हैं फादर को लिविंग होना चाहिए मतलब अगर इस के पहले कोई फादर की डेथ हुई है और वो प्रॉपर्टी बढ़ गई है तो वो अब डॉटर को नहीं मिलेगी तो मतलब फादर का जिंदा होना जरूरी है और डॉटर का भी जिंदा होना जरूरी है तभी दोनों को मिलेगी ये इन्होंने इंटरप्रेट करा तो भाई आपको क्या लगता है क्या ये सही है मुझे तो नहीं लगता ये सही है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में तो मुझे तो नहीं लग रहा ये सही है क्योंकि इसके पहले जो भी प्रॉपर्टी बढ़ गई है उन पर डॉक्टर्स का हक ही नहीं रहा फिर उनका क्या होगा इसीलिए ये विवाद यहाँ खत्म नहीं हुआ अगला केस आया दो का दनम्मा वर्सेस अमर इसमें क्या बोला नहीं ये गलत इंटरप्रिटेशन है फादर को जिंदा रहना जरूरी नहीं है फादर में नॉट बी लिविंग और डॉटर को पूरा राइट मिलेगा मतलब डॉटर के लिविंग होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डॉटर लिविंग नहीं है तो उसके बच्चों को दे दीजिए राइट लेकिन वो उसका हक उसी का रहेगा तो इसने बिल्कुल ही काया पलट दी पिछले वाले जजमेंट की अरे यार ऐसे तो होगा नहीं अब हमें क्या करना पड़ेगा? थ्री जज बेंच के पास जाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों टू जज बेंच है दोनों का क्लैश हो रहा है मैं टू जज बेंच क्यों मेंशन कर रही हूं क्योंकि दोनों का क्लैश हो रहा है अब जब इसके ऊपर वाली बेंच आएगी मतलब इससे ज्यादा बड़ी बेंच थ्री जज बेंच फाइव जज बेंच तभी वो सुपर सीट कर पाएगी इन दोनों के जजमेंट को दैट इज रिक्वेस्ट की गई कि अब ये केस का कौन सॉल्व करेगा थ्री जज बेंच तो क्या आया थ्री जज बेंच में पहले थ्री जज बेंच के पास क्या क्वेश्चन था उनको क्या सॉल्व करना था डज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, थाउजेंड एंड विच गेव इक्वल राइट टू डॉटर्स हैव अ रेट्रोएक्टिव इफेक्ट मतलब ये जो 9 नौ, नौ 2005 की डेट बोल रहे हैं क्या ये पिछली डेट से लगेगा मतलब फादर के जिंदा रहने, रहने जो जो या, या नहीं करेगा ये ही मेन मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि ये क्या मुद्दा अमेंडमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अमेंडमेंट के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ गई है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत ही टफ क्वेश्चन आया तभी हमारी थ्री जज बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा सर की बेंच ने यह आइकॉनिक जजमेंट दिया और वो आइकॉनिक स्टेटमेंट दी कि डॉटर हमेशा डॉटर रहती है और सन सिर्फ शादी तक ही बेटा रहता है इन्होंने क्या बोला डॉटर्स के पास इक्वल राइट रहेंगे नो डाउट को पार्सनर रहेंगी वो जो 2005 से पैदा हुई है पहले उनके लिए भी लागू होगा ठीक है वेदर फादर अलाइव और नॉट विनीता शर्मा वर्सेस राकेश ये केस का नाम है मतलब फादर जिंदा हो नहीं हो लड़की का जन्म 2005 के पहले हुआ हो बाद में हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी है हर तरीके से विमेन डॉटर को अपने प्रॉपर्टी के राइट्स मिलेंगे कौन सी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल किस सिचुएशन में इंटरस्टेट विदाउट विल माइंड यू जब विल है तब ये एक्ट लागू नहीं होता ये एक्ट तब आता है पिक्चर में जब फादर बिना विल बनाए पास हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है बिना विल बनाए तब ये सारे झमेले शुरू होते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली में और अब सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा केस 2020 में क्लियर कट बोल दिया है कि विमेन को डॉटर को पूरा पूरा राइट मिलना चाहिए तो अब बताइए आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं अपने कमेंट सेक्शन में मुझे व्यू पॉइंट दीजिए सिग्निफिकेंस क्या है अब ये जजमेंट को मैं बार बार क्यों बोल रही हूं इतना लैंडमार्क है इतना आइकॉनिक है लेट सी क्योंकि इससे क्या हो रहा है आपने जो कोपर्सनरी राइट्स हैं जिससे आपको पूरा शेयर मिलता है प्रॉपर्टी में आपने उसको बर्थ से कनेक्ट कर दिया है मतलब जन्म से ही आपको मिलेगा और कोई नहीं है आप जन्मे उस परिवार में आपको वो राइट मिल गया और रेट्रोएक्टिव इफेक्ट है मतलब अमेंडमेंट जिस डेट से हो उससे नहीं लागू हो रहा है पहले से ही लागू हो रहा है मतलब हमने पुराने गलती को भी अब सुधार दिया है जजमेंट हेल्प अप होल्ड डॉटर के राइट्स इक्वल टू सन के राइट और जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है गाइज जेंडर इक्वालिटी का अगर कुछ आपको ऐसे राइटिंग में आता है कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है कहीं एस एस बी में आपको कहीं बोलना पड़ता है लिखना पड़ता है तो आप ये पॉइंट भी यूज कर सकते हैं दिस इज इन कॉन्सनेस विद राइट ऑफ इक्वालिटी जो आपके फंडामेंटल राइट्स में मैंशन है आर्टिकल 14, 15 और 21 राइट टू लाइफ इनमें मैंशनड है जेंडर इक्वालिटी उसको भी सपोर्ट करता है तो है ना मजेदार बात यस तो आ, मैंने ये जो पूरा तीन एक्ट्स हैं और ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट और अभी जो लेटेस्ट जजमेंट है इन तीनों को समराइज़ कर दिया है आपके लिए बहुत ही बेसिक और मैंने अपनी तरफ से पूरा सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में आपको बताने की कोशिश की है बट हाँ इसको अगर आप नोट्स बनाएंगे अपने तो आपको बेटर याद रहेगा आई विल सजेस्ट यू आप रिकॉर्डिंग फिर से देख के पॉज कर करके इसके नोट्स बनाइए कि सक्सेशन एक्ट में क्या है दो में क्या है कोपार्सनर क्या है इंटरस्टेट

Please like, share, and subscribe to our channel and hit the bell icon to stay updated for the upcoming videos. Till then, Jai Hind.